आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे अपनी विंडोज 10 को बदल सकते हैं। जो अभी न्यू विंडो आई है यानी कि विंडोज 11 में, आज मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज 11 अपने विंडो 10 को हटाकर अपने पीसी या लैपटॉप में, वो भी बहुत आसान तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो तक पसंद आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल में एकदम नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है, आप देख रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। आपको विंडोज 11 के लिए आपको सबसे पहले आपका जो सॉफ्टवेयर है, मतलब कि आपकी जो विंडोज 10 है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। मतलब कि जब आपने विंडोज 10 डलवाई होगी या डाली होगी तो वो कोई फेक विंडो नहीं होना चाहिए, वो लाइसेंस होना चाहिए। आपने रिटेल की डाल के करी होगी, एकदम प्रोफेशनल विंडो होना चाहिए। जो आपको जब आप पीसी लेते हो यहाँ से या लैपटॉप लेते हो वहाँ से, वो आपको डाल के देता है विंडोज 10 एकदम एक्टिवेटेड वाली। जैसे कि आप अपने जैसे कि आप यहाँ क्या क्या करना है, तो आपको उसके लिए ये करना है, आपको अपने पीसी के या लैपटॉप के अबाउट में जाना है। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद जैसे कि देख सकते हैं पूरी यहाँ पर विंडोज की स्पेसिफिकेशन है, इसकी एक एक चीज आ गई है, डिटेल्स वगैरह सब कुछ आ गई है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एकदम जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारी विंडोज है ये एकदम एक्टिवेटेड है। देखिए विंडोज 10 एकदम एक्टिवेटेड है एकदम, आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। और अगर आपकी विंडोज एक्टिवेटेड नहीं है तब तो आप इस प्रोसेस को नहीं करिएगा, तब आपके बाद में आई विंडोज 11। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर और एक चीज़ और दोस्तों, कि आपके में TPM ये भी अनेबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, ये भी अनेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसे अनेबल करिए। जैसे इस स्टेटस देखिए रेडी रेडी लिखा आ रहा है, आपके में नहीं है तो आप यहाँ पर रेडी कर सकते हैं इसे। और डिवाइस परफॉर्मेंस और हेल्थ है जो, ये भी एकदम अच्छी तरह होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए एकदम सही सही। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ सबमिट लगा होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करना है आपको, काम आपका फर्स्ट काम क्या है, आपको सेटिंग में जाना है। सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ जहाँ लिखा है विंडोज अपडेट, आपको यहाँ विंडोज अपडेट लिखना है, क्लिक करना है। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम, आपको इस पर क्लिक करना है एक बार। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आया, गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। ये थोड़ा टाइम भी लगा सकता है, ये आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको अकाउंट लिंक करना है, जिससे आपका अकाउंट बना है माइक्रोसॉफ्ट का, वो आपको अकाउंट यहाँ पर ऐड कर देना है। अब आपके सामने तीन ऑप्शन खुलकर आएंगे, देव मतलब कि डेवलपर चैनल, बीटा चैनल, रिलीज रिव्यू चैनल। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ डेवलपर चैनल ही लेके चलें, क्योंकि इसमें हर चीज़ पहले पता चल जाती है, अपडेट जो भी आते हैं। आपको देखिए लेटेस्ट विंडोज 11 बिल्ड अर्लीस्ट इन द डेवलपमेंट साइकिल, सब पता चल जाता है आपको। अगर आप बीटा चैनल करते हो, रिकमेंडेड कर रहे हैं लोग कि आइडियल फॉर अर्ली अडॉप्टर दीज विंडोज 11 बिल्ड भी कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं जो आपको करना है, ये भी बेस्ट है। जैसे लिखा है यहाँ पर कि ये भी बढ़िया है, देखिए दीज विंडोज 11 बोल्ड वी मोर रेलेवेंट देन बोल्ड फ्रॉम आवर डी चैनल, लीजिएगा कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। ऐसे कन्फर्म करोगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा बेटर विंडोज फॉर एवरीवन, तो आपको यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है एक बार, और आपके पीसी को स्टार्ट कर देना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने अपने जो पीसी है लैपटॉप है आपने अब इसको रिस्टार्ट कर लिया होगा, हमने भी कर लिया है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ टाइप टू ईयर सर्च पे जाना है, और यहाँ आप सेटिंग पर ऑप्शन आएगा, सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए, सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर विंडोज अपडेट में जाना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करना है। अगर आपके में अपडेट होना आएगा विंडोज 11 का तो यहाँ पर आपके सामने खुद नजर आ जाएगा। इसमें आप जानते ही होंगे कि विंडोज 10 में कितने अपडेट्स आते थे, 11 में भी ऐसे ही आएंगे। अगर यहाँ पर चेक अपडेट में और कितना टाइम लगता है आप समझ ही सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहे तो एक बार विंडोज इंसाइडर प्रोग्राम में जाके चेक कर सकते हैं अपना सब कुछ। देखिए देख सकते हैं हमने बीटा चैनल में जो किया था वो सब कुछ यहाँ पर आ गया है। रिकमेंडेड आप ये चैनल लिखा है टर्निंग दिस ऑन विल ऑप्शनल यू डिवाइस आउट ऑफ लाइटिंग व्हेन द नेक्स्ट मेजर रिलीज ऑफ विंडोज 10 इज इंस्टॉल्ड, तो आपको इसे इंस्टॉल भी रहने देना है, और जब आपको एक बार पढ़कर आप इसे ऑन भी कर सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद विंडोज अपडेट में हम जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने देखिए, अब जैसे कि देख सकते हैं विंडोज फीचर एक्सपीरियंस पैक यहाँ पर 3.5, ये विंडोज 10 वर्जन यहाँ सब कुछ आ गया है। यहाँ अभी आपका यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, एक अपडेट और आएगा 2-4 दिन में, जब आप ये फीचर डालोगे आगे 5-6 दिन में आगे एकदम पूरी बिल्ड विंडोज 11 का अपडेट आ जाएगा, क्योंकि जो विंडोज 10 वाले उन्हें फीचर मिल रहा है फ्री में, बाकी विंडोज के लिए नहीं मिल रहा है। तो आप इस तरीके से विंडोज 10 को अपने
हटाकर विंडोज 11 को अपने में डाल सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल एकदम नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे में कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है जल्दी इंस्टाग्राम फॉलो कर लिए, टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक मिलेगी, जल्दी ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए जय हिंद।